देहरादून में केरल बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीपीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी और वामपंथी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पत्थरबाजी का दौर शुरू हो गया। वहीं पत्थर लगने से एक वामपंथी नेता घायल हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस को लाठीचार्ज करके हालात काबू करने पड़े। इस मौके पर वामपंथी नेताओं ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। वामपंथी नेताओं का यह भी कहना है कि बीजेपी को सोची समझी रणनीति के तहत उनके कार्यालय तक आने दिया गया। इससे साफ है कि पुलिस प्रशासन बीजेपी सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। हमारा तो देश भर का कार्यक्रम था, दूसरे के कार्यालय पर प्रदर्शन नहीं, धरने देने थे हमने पूरे देश में। जहां पर भी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय हैं, वो देश भर में उनके आगे हमको शांतिपूर्वक तरीके से धरना देना था। अब चूंकि उधर से उकसाया होगा, हमारी भी लड़के होंगे, हल्की फुल्की झड़प हुई है। अब हल्की फुल्की झड़प हुई है।